जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की जैसा कि आपको पता है ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ओके, बीए बीकॉम बीएससी की भी और एमए एमकॉम एमएससी की भी। ओके, अगर दोस्तों मैं बात करूं कि बीए बीकॉम बीएससी की कब से कब तक परीक्षाएं की जाएंगी, तो 11 जून को से इनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। 11 जून को इनके क्वेश्चन पेपर हैं वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और 24 जून तक इनको अपनी कॉपियां हैं आंसर शीटें सबमिट करनी है। वहीं अगर दोस्तों अगर मैं आपको एमए एमकॉम एमएससी की डिटेल्स बताऊँ, तो एमए एमकॉम एमएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वेबसाइट पर 21 जून को अपलोड किए जाएंगे और 21 जून से लेकर 26 जून तक इनको अपनी कॉपियां सबमिट करनी होंगी। तो दोस्तों 11 जून से 24 जून के बीच में बीए बीकॉम बीएससी की परीक्षाएं चलने वाली हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर पता चल गया है कि कॉलेज में उत्तर पुस्तिका कब तक जमा करनी है। तो दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट को 24 तक करनी है, यानी कि 24 जून तक करनी है, और एमए एमकॉम एमएससी के स्टूडेंट को 26 जून तक अपनी कॉलेज में कॉपियां जो कि सबमिट करनी है। ओके, अब यहां पर एक जो कि क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे ओपन बुक के लिए प्रश्न पत्र कैसे और कहां से मिलेंगे। तो ओपन बुक एग्जाम्स के जो प्रश्न पत्र हैं दोस्तों आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेंगे, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। चलिए दोस्तों एक बार और मैं बता देता हूं कि किस तरह से हमको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही दिखाई देता है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इसमें से आपको यहाँ पर अप्लाई का बटन दिखाई देगा, इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, तो इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर का लिंक दिखाई देगा, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, अभी एमए एमकॉम एमएससी के क्वेश्चन पेपर 21 जून को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इन पर जिस भी स्टूडेंट हैं, आप जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया उस पर क्लिक करके अब आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बीए बीकॉम बीएससी बीएससी होम साइंस बीबीए बीएससी थर्ड ईयर सॉरी बीसीए थर्ड ईयर, तो आपको जिस पर क्लिक कर आपके मान के चले हम बीकॉम के हैं, तो हम बीकॉम पर क्लिक करेंगे, और बीकॉम पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट वाइज आपको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिखना है, और आंसर शीट में लिखने के बाद में आपको 24 जून तक अपनी आंसर शीट कॉलेज में सबमिट कर देनी है। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन में आना है आपको बता दें, कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।